अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने काफ़ी दिन से मलाई को जमा किया हुआ था, तो मैंने घी बनाने के लिए एक कढ़ाई ले ली है। और हमेशा ध्यान रखें कि कढ़ाई हमेशा बड़ी ही लें, थोड़ा उसको चलाने में परेशानी ना हो और झाग भी बन जाते हैं, थोड़ा सा फूल के बैटर ऊपर भी हो जाता है। तो थोड़ी बड़ी ही कढ़ाई रखें, कोई भी बर्तन लें वो बड़ा लें, भगोना या कढ़ाई। तो इतने मैंने घी को रख दिया है गैस पर और लो फ्लेम बिल्कुल करके मैंने घी को रखा है ताकि वो जल ना जाए, लगे ना नीचे। तो और इतनी देर में मैं जल्दी से आटा छानने के बाद में इसे गूंद लूँगी अच्छे से और साथ में उसे भी चलाती रहूँगी, क्योंकि कभी भी आप अगर घी निकालते हो तो ध्यान रखें उसको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो लग जाती है कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में ज़रूर से लग जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि थोड़े थोड़े देर पर उसे चलाते रहें, नीचे चिपके नहीं। घर पर बहुत ही अच्छा घी बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है घर के घी में जो हम घर पर बनाते हैं। बाज़ार से तो किसी भी आप कंपनी का घी ले लो, लेकिन उसमें वो फ्रेगनेंस, वो स्मेल अच्छी सी नहीं आती घी की, इसलिए मैं घर पर ही बनाती हूँ घी ज़्यादातर। तो अभी मैं गूंदने लगी हूँ आटा, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटियाँ। नाश्ता हमारा हो चुका था, मैंने व्लॉग लेट स्टार्ट किया था, और आटा मैं नीचे बैठकर ही गूंदना पसंद करती हूँ। ज़्यादा अच्छे से गूंदकर तैयार होता है आटे को अगर नीचे बैठकर अच्छे से गूंदते हैं तो। और जब आटा अच्छा गूंदा हुआ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटियाँ भी अच्छी ही बनती हैं, इसलिए मैं हमेशा बैठकर ही आटा गूंदती हूँ। और काफ़ी अच्छा आटा गूंदकर तैयार होता है, नीचे बैठकर पूरे ज़ोर से अगर हम आटे को गूंदते हैं तो काफ़ी अच्छा आटा तैयार होता है गूंदकर। तो ये देखें आटा मेरा गूंदकर तैयार हो गया है, और मैंने जो आटे की वो परात थी जिस बर्तन में मैंने आटा गूंदा था उसको अच्छे से हैंड टू हैंड में धोकर क्लीन कर देती हूँ। कभी भी मैं उस बर्तन को छोड़ती नहीं हूँ सूखने के लिए, उसे हमेशा मैं हैंड टू हैंड धो देती हूँ। और ये मलाई देखें आप, मैं बीच बीच में इसे भी चलाते जा रही हूँ, और ये अब मेरी बनकर कम से कम 20 से 25 मिनट इसमें लगे हैं मलाई को पकने के लिए। और ये देखें ये बनकर तैयार है, और ये वो डब्बा है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा घी जमा कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाने के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक डब्बे में अलग है घी, तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। लोहे की छन्नी लें अगर आप भी कभी घी बना रहे हैं घर पर, तो लोहे की या स्टील की छन्नी ज़्यादा बेस्ट रहती है। वैसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इसको, ज़्यादा गर्म में नहीं छान रही हूँ इसको, मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। और मैं बीच में कुछ और भी काम करने लगी थी, जो थोड़ा सा घी लग गया था एक साइड तले में। और अब जो ये मैंने छन्नी में सारा कर लिया है, और इसमें भी काफ़ी सारा घी रहता है, इसलिए मैं इसे भी निचोड़ कर अच्छे से निकाल लूँगी, अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी इसको। और बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं ये जो इसमें मलाई का एक्स्ट्रा ये निकला है भुनने के बाद में, इसके साथ अगर शुगर मिला के उसे खाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी को खाना नहीं था, तो मैंने इसे उस कढ़ाई में ही वापस डाल के और उसे एक जगह निकाल के उसे फेंक दूँगी। तो ये घी निकल के हमारा तैयार है, और बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही थी, तो मैं इस कढ़ाई को एक साइड पर रख दूंगी। ये देखें ये 2 kg का डब्बा है, और मिनिमम ये हाफ से थोड़ा कम हो चुका है डब्बा, मैं इसी में डाल के ऐड करती जा रही हूँ घी को।
और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सब्जियाँ, और इसमें कुछ बंस भी थे जो मैं बर्गर के लिए मैं मंगवाती हूँ। और सब्जियाँ अगर घर में होती हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जो मन करे फटाफट से निकाल कर बना सकते हैं हम। मेरे हस्बैंड कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए थे जिन्हें मैं वॉश करके रख लूँगी और एक बास्केट में, और फिर यहीं से हम निकाल कर ले लेते हैं। इस बास्केट को मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो मैं वॉश करके एक साइड पर रखते जा रही हूँ इन्हें, थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें ऐसे ही कवर करके रख रही हूँ। और अभी मैं वेजिटेबल्स को वॉश करके भी एक साइड पर रख दूँगी। मैं ज़्यादातर सब्जियों को वॉश करके ही रखती हूँ फ्रिज में। और जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तभी मैं फिर एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और ये बंस मंगाए थे मैंने अपने बेटे के लिए, और मियोनीस वगैरह मैं सब सॉसेस वगैरह रखती हूँ ज़्यादातर, तो बेटे को मैं खुद ही बनाकर बर्गर वगैरह दे, कभी बेटे का मन होता है तो उससे वेजिटेबल्स जो भी हैं वो बच्चे खा लेते हैं इजीली। हम उसमें खीरा वगैरह, टमाटर, प्याज वगैरह या कोई भी चीज़ उसमें वेजिटेबल कट करके इजीली दे सकते हैं, पत्ता गोभी है या कुछ भी उसके अंदर ऐड करके दे सकते हैं, तो उस बहाने से बच्चे खा लेते हैं आसानी से। तो ये मैं बास्केट में मैंने टमाटर, हरी मिर्चें ये अलग की साइड रखती हूँ मैं फ्रिज में, ताकि मुझे आसानी हो ये सब चीज़ें सलाद वाली ये मुझे मिक्स ना हो जाएं, ये मुझे ढूंढनी ना पड़े। और ये बनाना भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं उन्हें भी वॉश करके रख दूंगी। और ये मैंने लौकी को भी वॉश करके रख दिया है अच्छे से। अब बारी आती है बाकी सभी सब्जियों की। तो मैंने जो ये फ्रूट्स वॉश किए थे इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है एक साइड पर। और नीचे वाली जो बास्केट है मैं उसमें ये सभी बीन्स वगैरह, ये बीन्स वाली फली है और ये पता नहीं ये ग्वार की फली होती है, और ये फलियों को भी मैं अच्छी तरह से वॉश करके और नीचे वाली फ्रिज की जो बास्केट होती है उसमें स्टोर करूँगी। और उसके बाद में मैं फिर से, और ये अरवियाँ हैं और इन्हें मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि मैं इन्हें गीला कर दूँगी तो फिर ये ख़राब होने के इसमें चांसेस हैं ज़्यादा। और गर्मी आ चुकी है जैसे कि आप सभी को पता है, और इसलिए सैलेड वगैरह भी मैंने मंगवाई थी। और ये इसका एक बॉक्स मैं खाली कर रही हूँ, और इसमें मैंने डाले हैं ककंबर, ककंबर इसमें ऐड करके, और ये मैंने बास्केट बना दी है पूरी सैलेड की। और ये देखें मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है एकदम। और ये सब्जियों का काम होता है मेरा ख़त्म। और थोड़े से ये मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं खाने के लिए। और देखें ये मेरे बच्चे का टॉय है, बेटे का पबजी। और इसको गोली लगी है, ये देखें, इसलिए मेरा बेटा जो है वो इसका ट्रीटमेंट कर रहा है। ये देखें इसको गोलियां लगी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी बच्चे इस तरह से शरारतें करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये देखें कितनी बड़ी गोली निकली है। ये देखें
कितनी बड़ी गोली निकाली है मेरे बेटे ने इसके पेट से। इसकी पूरी सर्जरी उसने कर डाली है, ये देखें। और मुझे लगता है शायद, अच्छा अभी एक गोली और रह गई थी उसके पेट के अंदर, तो वो उसको भी बाहर निकाल रहा है। ये देखें, ये देखें कितनी बड़ी गोली निकली है। ये देखें कितना बड़ा होल हो गया है। और ये देखें, मैंने जो आपको बताया था कि कुछ दिन पहले से हमारे यहाँ पे पड़ोस में घर बन रहा है, उसकी वजह से इतनी डस्ट आ रही है घर में। और ये कॉम्पैक्ट भी मेरे हाथ से छूट गया था, ये गिर गया था तो ये ब्रेक हो गया। और एक दिन में कम से कम 2 बार मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फर्नीचर वगैरह है मेरा ब्लैक है और ब्लैक पर डस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए 2 बार तो कम से कम साफ करना ही पड़ता है पूरे दिन में। और ये देखें बेडशीट भी गंदी हो चुकी थी, तो मैं बेडशीट को भी चेंज कर रही हूँ। ये मैंने वॉश की करके रखे हैं कपड़े सारे, बेडशीट्स वहीं से लिए मैंने, तो अभी मैं इसे बिछा लूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी बेड पर। और अब मैं ये सारे कपड़े निकाल लूँगी, और 2 से 3 बार मैंने वॉश किए हैं ये कपड़े, और काफ़ी दिन से कपड़े जमा हो गए हैं आयरन के लिए। और कुछ कपड़े इसमें ऐसे भी हैं जो प्रेस नहीं करनी है जिन पर, तो बेड शीट्स वगैरह मैंने उसी बास्केट में रख दी हैं ताकि इजी हो मुझे वहाँ से निकालना। और ये सारे कपड़े जो आयरन के हैं वो मैं एक साइड पर रख लूँगी, और जो आयरन नहीं करने हैं वो एक साइड पर रखते जाऊँगी। और ऐसा बहुत कम होता है, मैं इतने कपड़े कभी इकट्ठे नहीं करती हूँ, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए थे। और ये मैं अपने कपड़े एक साइड पर रखते जा रही हूँ फोल्ड करके, ताकि इसी तरह से मैं फिर उन्हें सेट करके अलमीरा में भी रखती जाऊँ आयरन के बाद। और वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब हो गई थी, और इसलिए मैंने हाथ से ही कपड़े वॉश किए थे इसमें आधे से ज़्यादा। तो फिर अभी मैंने वॉशिंग मशीन भी रिपेयर करवाई है, तो अभी ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इन्हें मैं फोल्ड करके एक साइड पर रखते जा रही हूँ। और काफ़ी दिन से मैंने आयरन नहीं किए कपड़ों पे, और ये इतने सारे इकट्ठा हो गए हैं। और कुछ कपड़े इसमें बिना आयरन के हैं जिन्हें, और आज भी मुझे नहीं लगता मैं आयरन के लिए टाइम निकाल पाऊँगी, तो मैं इसलिए इसी बास्केट के अंदर इन सब कपड़ों को रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं यहीं से निकाल कर जल्दी से प्रेस कर डालूँ सभी कपड़ों पर। जब करने बैठ जाते हैं आयरन तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आयरन या फिर कोई भी काम अगर करते नहीं हैं तब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब करने लगते हैं तो इजीली मैनेज हो जाता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अब सारा काम। और ये देखिए किस कदर कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और ये जो कपड़े हैं मैंने बास्केट में डाल दिए हैं, और जो जिनको आयरन करना था, और ये वाले कपड़े हैं जो मुझे आयरन नहीं करने थे, तो मैं इन सभी कपड़ों को सेक्शन वाइज रखते जाऊंगी। जो कपड़े जहाँ से लिए गए हैं वहीं पर उनको सेट करूंगी। और ये काम भी हो गया है मेरा कंप्लीट।
और ये मिरर को आज मैंने क्लीन नहीं किया था। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो वो मिरर को हाथ बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो मिरर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, उसी को क्लीन किया है। अब ये मेरा रूम पूरा क्लीन हो गया है और ये मेरा बेटा खेल रहा है गेम। देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और अगर आज का डेली रूटीन ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।